गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम क्लास सिक्स में 10.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बुक में ही सॉल्व करना है, बुक में ही इसको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट एंड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको अभी पहली वाली वीडियो में सभी डेफिनेशंस के बारे में बताया गया था, तो आपको इसमें लाइन सेगमेंट और रे बतानी है। लाइन सेगमेंट कहाँ होगी? जिसमें दोनों एंडलेस पॉइंट होंगे, यानी कि इसमें कौन सी हो गई? वो AD। देखिए एंडलेस पॉइंट है ना, तो हम इसको इधर एक्सटेंड कर सकते और ना इसको इधर कर सकते। इसी तरीके से AD और AB। और जो हमारी रे होगी वो देखिए, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है और इसको हम दूसरे वाले को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसलिए जो हमारी रे होगी वो होगी DE और BC। नेक्स्ट पार्ट है इसका B, इसमें भी आपको लाइन सेगमेंट और रे इसी तरीके से निकालनी है, और C वाले पार्ट में भी आपको लाइन सेगमेंट और रे इसी तरीके से निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ 3 लाइंस इन ए प्लेन। आपको ये बताना है, आपको सबसे ज़्यादा नंबर की संख्या बतानी है कि आपको कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो सकते हैं 3 लाइन इन ए प्लेन, यानी कि 3 पॉइंट है आपके पास, तो उससे आप कितनी लाइन बना सकते हैं। तो इंटरसेक्टिंग कितने करेंगे? वो 3 ही होंगे, तो 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द तो उसमें हम 3 ही पॉइंट बनना, मतलब 3 ही हमारी लाइन बन पाएंगी एक ही प्लेन से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन इन ए प्लेन। तो उसमें हम केवल एक ही लाइन बना सकते हैं, क्योंकि ये मिनिमम है, मैक्सिमम में 3 और मिनिमम में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम, ये फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। आपको क्या बताने हैं? 4 कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन पे बने होते हैं। तो देखिए ये ABCD एक ही लाइन पे बने हैं, तो इसलिए 4 कॉलिनियर पॉइंट कौन से हो गए? ABCD। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। नॉन कॉलिनियर पॉइंट कौन से होंगे? जो एक लाइन पे नहीं बने होंगे। तो आप इस फिगर में से कोई भी वो 3 पॉइंट ले लीजिए जो एक लाइन पे नहीं बने हुए। कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई से भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सी, लाइंस विच आर कंक्रेंट एट बी, यानी कि बी से होकर के कौन सी लाइन जा रही है? तो बी से हो कि कौन सी लाइन जा रही होगी, जैसे कि BP, BC, BD, कोई सी भी लाइन उसमें आप बता सकते हैं। इसी तरीके से जो कंक्रेंट होकर जा रही है इसे वो लिखेंगे आप इसमें। नेक्स्ट है 3 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जो आपस में एक ही पॉइंट पर कट करती हैं। तो देखिए ये वाला पॉइंट आर का बी आ रहा है, तो ये वाली लाइन यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ये वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरीके से आपको 3 पेयर बनाने हैं, तो MP, LN और PO। आप कोई से भी 3, मतलब आगे के भी कुछ भी और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द पॉइंट टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो वो 3 है, यानी कि हमारे पास सब 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे, यानी कि लाइन में नहीं होंगे वो, एक इधर है, एक कहीं और है, एक कहीं और है, तो उससे हम कितनी लाइन बना सकते हैं? 3 ही बनाएंगे, तब 3 पॉइंट है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम, इसमें भी आपको इस फिगर को देख के आंसर देना है। 3 कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर मतलब जो एक ही लाइन पे बने हों। तो देखिए AOD एक ही लाइन पे बने हैं। 5 रे। रे कौन सी होती है? जिसका एक पॉइंट तो फिक्स्ड होता है और बाकी फिक्स नहीं होता, दूसरे वाला पॉइंट। तो देखिए OA, OB, OC, OD और OE 5 पॉइंट्स बताने हैं। पॉइंट्स आपको पता ही क्या होता है, सिर्फ एक डॉट दिखाता है, तो डॉट है वो ABCDE। 2 लाइन बतानी है, लाइन यानी कि जो सीधी लाइन होती है, तो आप उसमें कोई सी भी लाइन लिख सकते हो, EB और AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द लाइन विच आर कंक्रेंट एट द पॉइंट। आपको इस फिगर को देख के इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि कौन कौन सी कंक्रेंट लाइन जा रही है, AA से लेके, A से होकर कौन सी लाइन जा रही है, AD, AB और AC। ऐसे ही B से होकर के BA या AB भी लिख सकते हो आप इसको, AB, BC और BD। और O से होके, O तो हमारा यहाँ पे बीच में पॉइंट है, इससे होके हमारी बहुत सारी लाइनें जा रही हैं। देखिए सभी लाइनों को लिखना है इसमें आपको,
OR, OQ, OC, OB, OP, इस तरीके से आपको ये सारी लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको इस एक्सरसाइज का नहीं करना। थैंक यू।